जैसा कि आप देख पा रहे हैं कड़ी लीक का पत्ता है, इसमें मिलीबग का बहुत सारा अटैक हो चुका है। ये आपका मिलीबग देखिए, छोटे छोटे पूरे वाइट वाइट पूरे ये सब मिलीबग हैं जो इसके इसमें लगे हुए हैं बहुत सारे। इसको आज हम कैसे केयर करेंगे वो हम बताने जा रहे हैं। ये हमने फ्लिपकार्ट से ख़रीदा हुआ नीम ऑयल अपना प्लांट के पेस्टिसाइड के लिए ख़रीदा हुआ है। इससे आराम से मिलीबग आराम से मर जाएंगे। इसमें देख सकते हैं यह है 100% प्योर कोल्ड प्रेस नीम ऑयल है। इसको यूज़ कैसे करना मैं बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पॉइंट नंबर 2, इसमें 5 ml नीम ऑयल लेना 1 लीटर वाटर में और इसको प्लांट में स्प्रे कर देना है। मैं इसको लेने जा रहा हूँ स्प्रे, वाटर यूज़ करूँगा स्प्रे के लिए कोलिन का। ये हमारे घर में यूज़ होता था, ये खाली हो गया है। इसको मैं ये आपका 500 ml का है ये कोलिन। मैं इसमें ये आपका नीम ऑयल डालने जा रहा हूँ, ये वाला। ये मैंने ढक्कन खोल दिया, इसमें अभी छेदा करना पड़ेगा ऊपर में। मैं इसमें यूज़ करूँगा टोटल 1 लीटर के लिए 5 ml यूज़ करना है। अब 5 ml यूज़ करना है, 500 ml का 2.5 ml में यूज़ करूँगा इसका। चलिए मैं इसके ऊपर मैं वो कर देता हूँ, छेद कर देता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने 2.5 ml ले लिया नीम ऑयल आपका 500 ml वाटर में वो करने ऐड करने के लिए। ये मैंने इसके अंदर डाल दिया 2.5 ml नीम ऑयल। अब मैं इसके अंदर पानी डालने जा रहा हूँ। ये मैं गया, इसके अंदर पानी भर देते हैं। देखिए पूरा चाक चाक ये भरने वाला पानी। अब इसको अच्छे से सेक कर देंगे, वाइट कलर का हो गया है ये, इसको अच्छे से सेक कर देंगे। अब इसे देखिए हम अच्छे से सेक कर देते हैं इसको। ये हमारे अच्छे से हिला देते हैं इसको अच्छे से कि पूरा ये हो जाए। ये अब अच्छे से सेक हो चुका है। अब हम लोग स्प्रे करने जा रहे हैं इसको, पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे करेंगे। काफ़ी अच्छा स्प्रेयर है ये। ये देखिए पूरा ऐसे जितना जहाँ भी मिली हुआ गया पूरा उसके ऊपर हम छिड़क देंगे इसको अच्छे से। प्लांट के ऊपर भी डाल देंगे, प्लांट में पूरा मिली हुआ पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक है। ये हम एवरी 10 दिन में इसको रिपीट करना है।